नमस्कार, एबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने अमित शाह के बिहार के बार बार दौरे पर कहा है कि बिहार में चाहे मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए, बिहार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साथ ही कहा है कि बिहार में महागठबंधन को 40 में से 40 सीटों से बिहारवासी जितवाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि दांत खोदने के लिए भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। अमित शाह में चाहे नरेंद्र मोदी जी आवे, बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समाजवादियों का घर है और बिहार जब एक बार करवट लेती है तो देश परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने परिवर्तन करने का नारा दे दिया है और महागठबंधन को 40 में 40 सीट मिलने जा रहा है। यहाँ दांत खोदने के लिए भी बीजेपी को और एनडीए को एक सीट नहीं मिलने जा रही है। 2019 वाला हाल कर देगा बीजेपी, लोग कह रहे हैं। अरे क्या हाल करेगा, आने दीजिए ना ये लोग छटपटा कर। अमित शाह आज तक कितना बार आए हैं बिहार, हर एक महीने के बाद 15 दिन के बाद बिहार का दौरा कर रहे हैं। क्या कारण है? बिहार के लोगों से डर गए हैं और बिहार के वोटरों से डर गए हैं, क्योंकि यह समाजवादियों का घर रहा। कुशवाहा वोटबंद पर उनकी नजर है। अरे भाई, कुशवाहा कितना हो कहीं जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो हमारा महागठबंधन का वोट है, चाहे वो सम्राट चौधरी को बना ले, भूपेंद्र कुशवाहा को भी ले गए हैं, किसको भी ले जाएंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपका कहना है कुशवाहा वोट कहीं? नहीं नहीं नहीं, कुशवाहा वोट हमको महागठबंधन को मिलने जा रहा है। आप कहाँ है, कहाँ से बोल रहे हैं? बीजेपी के गोदिया मीडिया है क्या आप? नहीं, गोदिया मीडिया है आप क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि कुशवाहा लोग भी महागठबंधन के साथ था और आज भी है। राहुल गांधी को माफी मांगनी नहीं, ये तो बीजेपी को माफी मांगना चाहिए देश से, क्योंकि उन्होंने राज किया था और वादा किया था कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, देश में महंगाई नहीं आएगी, अब किसानों के खेतों में पानी देंगे, देने का काम किए करेंगे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। तो माफी तो उनको मांगना चाहिए देश से कि हमने जो वादा किया है माफ करो यार, हम सारे आपके कमीनी का पैसा अडानी को दे दिया है, अब माफ करो। माफी तो उनको बार बार मांगना चाहिए देश की जनता से। बिहार से भी संबंध क्या है? कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगी और कोर्ट के इसी पर संबंध होगा, वो लोग सब करेगा।